भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। मुंबई के वली शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन को जन सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले वली शमशान घाट में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। देश के बड़े बड़े नेता से लेकर बॉलीवुड, खेल जगत, बिजनेसमैन, हर सेक्टर के लोग उनके अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी वली शमशान घाट पहुंच उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 86 साल की उम्र में बीती रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके घर लाया गया। फिर अंतिम दर्शन के लिए उन्हें मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर फार्मिंग आर्ट्स में रखा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, रतन टाटा जन्मजात उद्योगपति और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने कभी भी उद्योग में किसी तरह की धोखाधड़ी करने या किसी अन्य तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कहते हैं कि देश पहले आता है।